हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आवर डॉल वर्ल्ड। सो गाइस, अगर आपने टाइटल अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि आज का वीडियो और भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैरिज पार्ट। और आज है मैरिज पार्ट वन, यानी कि मैं है मेरी दी की शादी। तो आज है पार्ट वन। और हाँ गाइज, मैं सारे पार्ट का ना एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आपको जब भी अगर आपने वन पार्ट देखा तो टू पार्ट, थ्री पार्ट, सारे पार्ट जरूर देखिएगा। गाइज, ये पॉसिबल नहीं था कि मैं पूरा शादी का वीडियो एक ही में बना दूं, इसलिए मैंने अलग अलग पार्ट्स में करके बनाए हैं, तो आप सारे पार्ट जरूर देखिएगा। सो हेलो कमला, कैसी है तू? अरे मैं तो ठीक ही हूँ, तू बता सीता, तू कैसी है? इतने दिनों बाद आई तुझे मेरी याद। अरे नहीं नहीं, आज बहुत ज़रूरी काम था तुझसे, तो सोचा बात कर ही लेती हूँ, ऐसे तुझे भी मेरी याद कहाँ आती है। अरे याद तो मैं करती हूँ तुझे, पर ज़्यादातर मेरे फ़ोन में ना पैसा नहीं रहता है। अच्छा वो सब छोड़, सुन मेरी बात ध्यान से, ठीक है? मैंने तुझे अपने बेटे के बारे में बताया था ना, आदित्य के बारे में? हाँ हाँ बताया था आदित्य जी के बारे में। हाँ तो बस उसी से बात करनी है तुझसे, उसके शादी को लेकर। आदित्य बेटा की शादी? अरे वाह, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, पर मेरे नज़र में तो कोई लड़की नहीं है। अब देख, तेरा बेटा इतना अच्छा है तो उसे लड़की भी तो अच्छी मिलनी चाहिए ना। अरे नहीं नहीं, मैंने तो लड़की पहले से देख रखी है, बस तेरी इजाज़त चाहिए और कुछ नहीं। मेरी इजाज़त? अरे मैं क्यों दूंगी तुझे इजाज़त, वो तेरा बेटा है, तू जैसे चाहे वैसे लड़की से शादी कर सकती है, मैं कौन होती हूँ। अरे क्योंकि वो लड़की की माँ तो तू ही है ना। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रही है सीता तू? अरे मैं अपने आदित्य की शादी तेरी बड़ी बेटी रीतु से करना चाहती हूँ। अरे सच बोल रही है ना तू, मजाक मत करना, मैं भी कब से अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का ढूंढ रही थी। अच्छा वो सब छोड़, आज मैं आ रही हूँ तेरी बेटी से मिलने, ठीक है? मुझे तो भाई तेरी ही बेटी जैसी लड़की चाहिए थी। चल अब फ़ोन रखती हूँ, आने की तैयारियाँ भी तो करनी है। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी फ़ोन काट, मुझे भी बहुत तैयार करनी वाली है। एक तो मेरी बेटी को लड़के देखने वाले आने वाले हैं, और एक मेरी सच्ची दोस्त भी आने वाली है। ठीक है फ़ोन रखती हूँ। अरे बेटा, राज बेटा सुन तो। हाँ माँ बोलो, क्या हो गया? अरे बेटा कह रही थी ना कि तेरी बहन ही बड़ी बहन को रीतु को ना आज लड़के वाले देखने वाले आने वाले, तो जाके जल्दी से बाजार से कुछ अच्छे से फल सब्जी और जाकर मिठाइयाँ ढेर सारी खरीद के ला। क्या सच्ची में माँ? ठीक है मैं अभी आया। चलो जब तक वो लेकर आता तब तक मैं रीतु बिटिया को बोल देती हूँ। रीतु बिटिया, रीतु बिटिया, क्या हुआ माँ? दीदी यहीं पे है। क्या हुआ माँ बोलो। अरे बिटिया तू जल्दी से अच्छे से तैयार हो जा, तुझे आज लड़के वाले दिखने वाले आने वाले हैं। माँ मैं आपको कितनी बार कहूँगी, अभी मुझे शादी नहीं करनी है माँ, मुझे अभी जॉब करना है। क्या दीदी जॉब जॉब करते रहती हो? तुम शादी करोगी तो मैं कितनी सारी फ्रेंड को बुलाऊंगी ना। वो तो तू छोटी ऐसे भी बुलाती है, शादी कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, और पहले मुझे जॉब करना है। अरे बेटा पहले मेरी पूरी बात तो सुन तो, वो मेरी दोस्त का ही बेटा है, अरे जानती नहीं है क्या? अरे तेरी सीता आंटी का ही बेटा है वो, आदित्य नाम है उसका, एक बार मिल तो ले। अरे माँ पर मेरा जॉब का क्या होगा? अरे पहले एक बार मिल तो ले, फिर आएंगे तो उससे बात कर लेना, वो लोग वैसे भी बहुत अच्छे परिवार के हैं, तो शादी के भी बाद जॉब कर सकती है। प्लीज़ दीदी मिल लो ना। ठीक है मैं एक बार मिल लेती हूँ, पर अगर उन्होंने जॉब के लिए मना कर दी तो मैं नहीं करने वाली शादी वादी। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, मुझे ढेर सारे पकवान बनाने हैं। चलो सारे काम तो हो गए, बस वो लोग आते ही होंगे। अरे लगता है वो लोग आ गए। किधर जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इतनी खुश हूँ ना। हाँ माँ मैं आ गया सामान लेके। ओ तो ये तू है, मुझे लगा कि वो लोग अभी ही आ गए। ओ मैं भी ना पागल ही हूँ, चला किचन में रख दे सारी सामान। अरे बिटिया, छोटी बिटिया, मायरा बेटा जाके देख ना, लगता है वो लोग आ गए, जा जा गेट खोल जल्दी। ठीक है माँ।
अरे आप लोग आ गए, नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। हाँ हाँ बेटा। अरे सीता आ गई। हाँ कमला बता कैसी है तू? अरे मैं तो ठीक ही हूँ। अरे हमारा आदित्य कितना अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि कितना बड़ा हो गया इतने सालों के बाद जो इसे देख रही हूँ। सही कहा, अब तो बस मैं तेरी बेटी रीतु को देखने के लिए एक्साइटेड हो रही हूँ। जब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है तो हमारी छोटी रीतु भी कितनी प्यारी लग रही होगी और बड़ी हो गई होगी। अभी बुलाती हूँ। मायरा मायरा बेटा। हाँ माँ। अरे दीदी को तो लेकर आ। आती हूँ माँ। दीदी चल, वो लोग आ गए हैं। क्या अभी ही? हाँ अभी। अच्छा तो चल अब मैं आ रही हूँ। नहीं नहीं मम्मी ने बोला है दीदी को लेके आओ। ठीक है चल चलते हैं। चलो। ये देखो आ गई मेरी बेटी। देख बेटा आ गई मेरी होने वाली बहू। अरे मम्मी अभी तो बात भी नहीं हुई है। अच्छा देख ना वो आ गई। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा नमस्ते। आ जाओ तुम दोनों यहाँ पे बैठो। जी माँ। तो ये रही मेरी बेटी रितु और वो मेरी बेटी मायरा है। हाँ हाँ दोनों जब इतने छोटे छोटे थे तभी देखा था मैंने। अब दोनों ही बड़े और सुंदर हो गए हैं। और तेरा बेटा कहाँ है, वो नहीं दिख रहा? अरे राज, अरे वो तो गया है मार्केट। दरअसल उसका जॉब तो मार्केट में ही है ना, तो वहीं पे वो जाता है डेली। आज उसने छुट्टी की कोशिश की पर नहीं मिल पाई। अच्छा और बेटा बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है रितु? जी आंटी बस अच्छी चल रही है, बस आगे जॉब करना चाहती हूँ। दीदी तो जॉब ही का बात क्यों करते रहती हो? ये बात हम लोग थोड़ी देर बात भी कर सकते हैं। अरे तो चुप कर, साथी मुझे करनी कि तुझे करनी? अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि हमें भी पढ़ी लिखी बहू मिले और अच्छा जॉब भी करे। अगर तुम्हारा मन है जॉब करने का तो तुम आराम से कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक मेरी बेटी भी जॉब करती है तो मैं तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ जॉब करने के लिए? जी शुक्रिया आंटी। अरे ये तो जॉब ही की वजह से शादी नहीं करना चाहती थी, अब तो जॉब भी कर सकती है, तब क्या दिक्कत है बेटा तुझे? माँ अब कोई दिक्कत नहीं है। अरे बेटा सिर्फ मैं ही बोलूँगी या फिर तू भी बताएगा उन्हें अपने बारे में? जी माँ। जी मैंने अभी अपनी पढ़ाई की कोर्स कंप्लीट करके और अब मैं अभी अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा हूँ। अच्छा बेटा ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, वैसे भी बिजनेस संभालना कोई छोटा काम नहीं होता है। तुम अभी ही से बिजनेस संभाल रहे हो, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। चलो चलो अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, अब जल्दी से तय कर लो या फिर कहो तो किसी और दिन बात कर ले। मैं बस तुम्हारी बेटी को एक बार देख लेना चाहती थी। वो क्या है ना कि अभी इसे भी बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर जाना है इसलिए बोल रही थी। भाई मुझे तो तुम्हारी बचपन से ही पसंद है तुम्हारी बेटी, अब तुम एक बार अपनी राय भी दे दो और अपनी बेटी की भी राय पूछ लो और मेरी बेटी की राय मैं पूछ लेती हूँ। बेटा तुझे तो अच्छी लगी ना ये लड़की? हाँ माँ मुझे अच्छी लगी, पर आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। अरे शादी मुझे नहीं करनी है, तुम्हें करनी है। तुम्हें पसंद आई कि नहीं आई लड़की? हाँ माँ मुझे पसंद आई और आप कह रहे हैं तो अच्छी ही होगी। भाई मुझे तो मेरे बेटे और मुझे पसंद है लड़की, अब तुम बता दो। अरे मुझे भी तुम्हारा बेटा पसंद है। बेटी तुझे लड़का पसंद आया कि नहीं? जी माँ बस मैं जॉब करना चाहती हूँ। ठीक है मेरी बेटी को भी पसंद आया लड़का और आपको भी लड़की पसंद आई तो रिश्ता हम पक्का कर देते हैं। ठीक है मैं अपने पंडित जी से बात कर लूँगी। अब बात रही बेटा तुम्हारी जॉब की, तो तुम क्या चीज़ की जॉब करना चाहती हो? जी वो मैं दरअसल इंजीनियर बनना चाहती थी। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है और शादी के लिए टाइम भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी इंजीनियर का फॉर्म भरने के लिए तो अभी 3-4 महीने के बाद आने वाला है फॉर्म। ठीक है तो फिर हम चलते हैं और रिश्ता पक्का हुआ। हाँ हाँ नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा नमस्ते। ठीक है चलते हैं अब हम।